ये लाइन यूपी सरकार के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। आजकल यूपी में रोज एक नया तमाशा हो रहा है। सियासत के चक्कर में युवाओं के भविष्य को रौंदा जा रहा है। यूं कहें तो यूपी सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के कब्जे में है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार से जुड़ा हर वो लोग जिम्मेदार है जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है। आज ऐसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन मेरिट लिस्ट को खारिज करते हुए सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर सरकार नई मेरिट लिस्ट जारी करे और बेसिक शिक्षक के नियमों और आरक्षण के नियमों का पालन करे। चिली के एक महान दार्शनिक पाब्लो नेरुदा ने कहा था, आप फूलों को रौंद सकते हो लेकिन बसंत आने से नहीं रोक सकते। आज ये कोर्ट का फैसला 69,000 अभ्यर्थियों के लिए किसी बसंत से कम नहीं है। ये मामला बीते 5 साल से अदालत में लटका हुआ था। छात्र आए दिन ट्विटर पर 69,000 शिक्षक भर्ती बहाल करो ट्रेंड कराते रहते हैं। साथ ही कई बार भर्ती बहाल को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन भी किया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद सियासत भी तेज हो गई है। किसी ने इसको छात्रों की जीत बताई तो किसी ने भाजपाई घपले और घोटालों से जोड़ दिया। कोर्ट के फैसले आने के बाद यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखते हुए कहा कि 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई लिस्ट बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से यह साबित होता है कि सरकार ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिले ये सुनिश्चित हो। बसपा चीफ ने आगे कहा कि वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं है, जिसके चलते ये मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षक व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना जरूरी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी भाजपाई घपले घोटाले और भ्रष्टाचार के शिकार साबित हो गई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल में बंधित हुई शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। हम नई लिस्ट पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।